सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता, यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे, अड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा, मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं दो वचन दे देता हूँ, तू बोले तो मैं तीन वचन दे देता हूँ, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो, हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री, तब कहा पहला वचन दीजिए मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी, कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है पति को वापिस लेकर आ गए। तर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए मानसिक टेंशन में परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज़्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चुक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए स्मरण देते हुए छोड़ दे। महाराज दो या तीन सोमवार एक ही जगह पर करना, तीन सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपने गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग दो से तीन महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बढ़ता पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है एक महीना दो महीना तीन महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़ कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव पत्नी को कभी हल्का मत समझना, सावित्री का पति
शांत हो गया था, मर गया था, बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गए और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सातित्व के बल से, सावित्री मैया अपने सावित्री अपने सातित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे, सावित्री पीछे, यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरे पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा, इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे, उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली, मैं जाने वाली नहीं हूं, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं, हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। यमराज लेकर जाने लगे, सावित्री और पीछे चली, सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया, रुक, कहां जा रही है तू, अंदर क्यों प्रवेश कर रही है, मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले, सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है, मांग तुझे क्या चाहिए। सावित्री कहती है, मुझे दो वर दे दो, मुझे दो वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। और इसने अपने पति को छोड़ दिया, अब ये कुछ मांगेगी, दो वर मांगेगी, तो मैं इसको दो वर दे दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपने पति को छोड़ा इसने। यमराज ने कहा, अपने पति को छोड़कर जो तू दो मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांग। तो सावित्री ने कह दिया, नहीं मांगूंगी पति, ठीक है मांगो। सावित्री ने कहा, पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाए, बस ऐसा वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न हो गए, इसने पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा, दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली, दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये वर्त दे दो। यमराज ने कहा, इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा, जा सावित्री के कहां जाऊं, आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाए अपने पोते को खिलाए, पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से, पति तुम ले जाओगे पोता कहां से आए, और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराए तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन। यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया, वो सत्यवान सावित्री। तो जितने भी यहां पर मेरे जीजा हन बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना, तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल इनके पास रहता है। तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूं, उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दीवार, वो तुरंत पहचान जाता है, तुरंत। अपने पति को धर्म पत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो भी वो उसको स्वीकार करती है। उसी तरह परमात्मा को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार कर यहाँ तक बुला रहा है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।